तेनू कोई हक नहीं है मेरे बारे कुछ कहन दा। सॉरी यार, मैं माफी मांगता तेरे को यार। ओ भाई मेरी। अरे पवन सच में मेरी लिटरली मैं आई गाइस आई कैन स्वेयर ऑन माय डॉटर आई कैन। ओ नो 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 राजन, तुम माइंड तो नहीं करोगे क्या अगर मैं तुमको कोई बात पूछूं? अगर मैं मैं सच्ची दसा सू पाप लगन वाला यार, गंदे वाला पाप, मतलब पाप ही करता वा। बट एनीवेज एक और चीज इसमें पता चलेगी, हम दोनों अच्छे एक्टर हैं। और हम आपके कमेंट को पिन करेंगे, फिर आपको मिलेंगे बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स। हाय गाइस, वेलकम टू द इनसाइडर्स, वेलकम बैक टू द इनसाइडर्स। यस, आप हमारे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो मच। आप हमें इतना प्यार दे रहे हो और इतना प्यार देते रहो, मैं ज्यादा कर जाता कभी कभी। खैर, आज का जो हमारा व्लॉग होगा वो बहुत मजेदार होने वाला है। एक्चुअली हमको आज पता हम क्या करने वाले, लेकिन जिनके साथ हम करने वाले उनको कोई आइडिया नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आगे सारा बताएंगे। Yes guys, actually हमने आप ही लोगों से पूछा था कि हम क्या और नई वीडियोस लेके आए। उसमें से मुझे एक आइडिया दिया था किसी ने इंस्टाग्राम पे कि आप प्रैंक करो, तो हमने उसको आगे खुद बिल्ड किया है। प्रैंक वाला आइडिया आप ही लोगों में से किसी का आया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हमने ये बिल्डअप किया है कि मैं अपने फ्रेंड को फोन लगाऊंगी एंड ये अपने किसी फ्रेंड को फोन लगाएंगे एंड हम उन्हें प्रैंक करेंगे उन बातों के रिलेटेड जो ऑफ कोर्स हमारी कॉन्वर्सेशन है, पर देखना ये चाहते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और उनको नहीं पता कि आज उनका मुर्गा बन रहा है यहाँ पे वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा आपको पहले बैक स्टोरी बता दूँ, पता लगे आपको ही नहीं पता क्या बात चल रही है। सो मैंने और हमारी पूरी फैमिली ने मिलके एक कैफे खोला है जिसका नाम है द नाइवेदियम कैफे। और अगर आप अमृतसर से ये वीडियो देख रहे हो तो आप वहाँ जाके ऑर्डर करें कुछ। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस कैफे के जो मेन्यू में मैंने हेल्प ली थी अपने राइटर फ्रेंड राजन से, मैंने उसे कहा था कि तू थोड़े सबटाइटल्स लिख, अच्छा सा क्रिएटिव सा मेन्यू बना दे, मुझे जो लोगों को देख के बड़ा अच्छा सा लगे, है ना। तो ऑफ कोर्स वो राइटर है तो वो बहुत अच्छा लिखता है, उसने क्रिएटिव सा मेन्यू मुझे बना के भेज दिया। नाउ अब मैं उसे कॉल करके ये बोलने वाली हूँ कि मैंने सुना है कि तू लोगों को कह रहा है कि आई डिडंट पे यू, मैंने तुझे पे नहीं किया मेन्यू लिखवाने के लिए, तो मैं उसे ऐसे फ्रेम करूंगी, आई एम सॉरी राजन। तू मुर्गा बनने वाला है भाई। राजन वही है जिसको आपने मसूरी वाले व्लॉग में देखा था हमारे साथ, अमेजिंग वाला। चलो जल्द, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, पता लगे हमारा ही मुर्गा बन जाए अगला, आप ना ही माने पर मेरी एक्टिंग स्किल्स का भी टेस्ट है वैसे तो। लेट्स सी। ओके, स्पीकर पे लगाओ जल्दी जल्दी। हेलो हेलो, यस सर, हाउ आर यू? आई एम गुड राजन, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं राजन, तुम माइंड तो नहीं करोगे क्या अगर मैं तुमको कोई बात पूछूं? पूछो, गुस्सा मत करना, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तुमने किसी को ऐसे जो मैंने तुमसे वो मेन्यू के वो सबटाइटल्स लिखवाए थे, तुमने ऐसे किसी को बोला कि लाइक सायरा ने मुझसे लिखवा लिए और शी डिडंट पे मी, या उसने मेरे साथ कोई मतलब पैसों की डील नहीं करी? नो नेवर। ठाकुर तो रस्ते लग गियो, गियो ठाकुर काम से गियो। हेलो, आर यू श्योर? या आई एम डैम श्योर। सी ऐसे पैसों वाली कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स आई वुड हैव पेड यू, या मतलब यू अंडरस्टैंड ना, लाखों दुखों की होती है ये वजह। वही ना, जो डायरेक्टली मेरे को बोल देता ना, मतलब किसी और से मेरे को पता चला तो बहुत बुरा लगा है। ये बॉय सारा, मैं कैसे किसी को बोल सकता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता इस बारे में कभी। Why would I have money from you? मैंने आज तक मतलब, अरे this is बाबा, this is something that like comes directly from my heart. I can't. एग्जैक्टली मेरे को यही लगता था ना, मेरे को ये लगता था कि भाई ऑफकोर्स राजन और मैं तो मतलब फ्रेंड्स वाली बात है ना, कि आप एक दूसरे से हेल्प ले सकते किसी भी चीज़ में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा राइटर फ्रेंड है, क्रिएटिव फ्रेंड है, तो भाई मैं उससे हेल्प ले सकती हूँ। या सायरा, मैं अरे लिटरली ट्रस्ट मी, मैंने आज तक कभी किसी मेरे इस बारे में किसी से बात ही नहीं हुई है। ओके राजन, सायरा अरे पापा सच में मेरी लिटरली मैं आई गाइस आई कैन स्वेयर ऑन माय डॉटर आई कैन।
Oh no 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 no! Please don't do that. Baba, I'm literally I'm really honest. मतलब मैंने नहीं करी इस बार मेरी सुपुर बात. मैं तो ये सारे लिखे भी अपने घर पे अपने वाइफ के साथ बैठ के थी. मतलब उसके अलावा तो मैंने किसी को बताया तक नहीं है. Okay, so now मेरे साथ एक प्रॉमिस कर कि तू मुझे नहीं मारेगा. बोल तू मुझे नहीं मारेगा. मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि तेरे साथ प्रैंक हो गया और तू वीडियो में है. राजन राजन यार तू कितना अच्छा यार. पाप लगेगा सारा तुम्हें. इतनी प्योर जोर के साथ तुम मजाक करी यार. ओ भाई मेरी यस सॉरी राजन सॉरी सॉरी राजन सॉरी 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 सॉरी. मतलब मैं सायरा को भी थोड़े दिनों पहले बता रहा था वरुण और अभी के लिए कुछ प्रैंक करने के लिए वो जिसने मेरे साथ ही कर तो मेरी बारी है. अब मैं सच बोलूं अब मेरे साथ क्या होने वाला. मुझे प्रेडिक्टेड यू पहले क्योंकि मैं अपनी कलीग को कॉल करूंगा और उसके साथ ऑफिस में मैंने कभी हिंदी में बात ही नहीं की. हम ज्यादा पंजाबी में बात करते हैं. पंजाबी में करना उसको ओरिजिनल लगना चाहिए यार. उसको ओरिजिनल लगना चाहिए तो आई विल टॉक इन पंजाबी. हां पंजाबी से गल करो यार. तो अपनी ऑडियंस पंजाबी है. हां अब आपको मैं स्टोरी बता दूं क्या है. वो मेरी है एक्स कलीग. हम एक ऑफिस में काम करते थे. वो चली गई है. अब स्टोरी मैं ये बनाऊंगा कि तू चली गई है लेकिन ऑफिस में तू मेरे बारे में क्या कुछ बोल के गई है. अब तू कन्फेस कर. मतलब अब उसने कुछ नहीं बोला लेकिन फिर भी मैं उसको बुलवाऊंगा कि तूने ये बोला और तू मेरे से जेलस करती थी और हमारी ऐसा. हालांकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. अब मैं उसको कॉल करूंगा ठीक है. हेलो जसवीर यार एक तेरे गल करनी है बहुत जरूरी है. अच्छा अगस्त तो नवंबर तक अपना जो भी तू मैनू फर्स्ट टाइम देखा तू मैनू मिली तू क्या तू बहुत अकड़ू है ना. मैं बहुत अकड़ू टाइप का इंसान हाँ पर चलो आप एक इकट्ठे ऑफिस काम करते रहे दैन. यार तू मेरे बारे ऑफिस की कह के गए मैं सची सची दसी. मैनू बहुत ज़्यादा गल्ला पता लगियां वा और मैनू एक नहीं घट्टो घट तीन जाणियां ने एक गल कही आ कि जसवीर तेरे बारे ऑफिस आ कुछ कहिंदी सी या इत्थों इत्थों मैनू गल्ला पता लगियां. सॉरी पर मैं सोर्सेस दे नाम रिवील नहीं कर सकदा. पर नहीं जसवीर यार मैं गल क्लियर ही करता पा. मैं गल ही क्लियर करता पा. मैं जसवीर खुल के ही गल करता पा कि मैनू दो तीन लोगों तो गल पता लगी कि जसवीर पहली गल तेरे तो जैलस करती सी और तेरे करके ही उन्हें ऑफिस छड़िया वा और ताडा दोवां च आपस च कोई गल हैगी सी जो बॉस तक गल पहुंची आ. अभिषेक इस ऑफिस अभिषेक डिजर्व नहीं करता. यार नहीं जसवीर मैं एक टाइम जॉब ना भी करा ना मेरा काम ही करता है. इट वाज जस्ट तेनू भी याद है ना तो मैंने इतने उस दिन आपको कोई गल करे चुके ना इसी वजह से टाइम वेस्ट अगे जाना है ना.
जसवीर जसवीर मैं गल बिल्कुल मैं तेरे सामने ही जिवें भी ही है ना मैं सारी गल आप दिल से कह दिंदा तेनू कि जो भी है तू अपनी लाइफ राइज कर शाइन कर मैं तो सबनों कहता कि किसी भी कोई चंगा प्लेटफॉर्म मिले सबनों राइज एंड शाइन करना चाहिए और डेफिनेटली तू किया वधिया गल आ पर यार मेरे बारे यार तू इदा दी गल्लां ते ना घटो घट यार करके जा जो मैं लोगों तो पता लगती है भैया यार तू मैनू उदा दस दे जान तो पहले ही दस जा यार कि अभिषेक तेरे च आ गल्लां ही ते इदा इदा गल्लां है मैं की कह लैणा यार तेनू तू मैनू डायरेक्टली ते गल कर कोई नहीं जसवीर बट मैं हर्ट हुआ और रियली सॉरी यार मैं कभी तेनों कॉन्टैक्ट नहीं अगे तो करूँगा और मैं नंबर डिलीट कर रहा यार पर मैनू नहीं पता आ गल भी हो जूगी सॉरी यार मैं माफ़ी मांगता तेरे को यार कोई गल नहीं मैनू जरूर दस के जानी चाहिए तेन कोई चक्कर नहीं यार मैनू की पता हूँ मैनू गल पता लगती भाई यार कोई चक्कर नहीं जसवीर तू अपने स्टैंड से रह मैं अपने स्टैंड से रहूंगा पर मेरे बारे इदा का नहीं तेन कोई हक नहीं है मेरे बारे कुछ कह मैं कभी किसी बारे कुछ नहीं कहा और किसी को कोई हक नहीं है कोई मेरे बारे इदा की गलत अफवाह फैला के जाए और जिते मैं खड़ा मैं डेफिनेटली डिजर्व करता जसवीर कोई करे ना करे अच्छा चल मेरी गल सुन जे मैं कह तू मेरे ब्लॉग च हैगी और मैं तेरे प्रैंक किया फिर जसवीर रियली सॉरी यार मैनू सच्ची रियली सॉरी रियली सॉरी यार सच्ची सच्ची ज्यादा अच्छा चल मेरी यार सच्ची यार मैनू कोई लब्भा ही नहीं मैं पहले दिन का सोचा कि मैं प्रैंक करूंगा तो जसवीर नाल ही करूंगा चल थैंक यू सो मच यार जसवीर अपना कीमती समा देने लिए बाय बाय टेक केयर यार मैं सच्ची दसा सानू पाप लगन वाला यार गंदे वाला पाप मतलब पाप ही करता वा बट एनीवेज एक और चीज इसमें पता चली कि हम दोनों अच्छे एक्टर हैं हमें पकड़ा भी दोनों नहीं मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार मेरे दोस्त जो ना हमारे वो अच्छे हैं यार वो बहुत अच्छे लोग हैं यार वो मतलब सच्ची कसमें खा रहे हैं कोई बेटी की कसम खा रहा है कोई मम्मी की कसम खा रहा है यार थैंक यू सो मच गाइस आप भी अपनी दोस्ती टेस्ट कर सकते हैं ऐसे कभी प्रैंक कॉल किया करो लग जाएगा सबको पता आपका एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अगली वीडियो भी आप में से ही किसी एक का सजेशन है या अगर आपके पास और भी सजेशंस हैं तो प्लीज नीचे लिखो हम डेफिनेटली वही करेंगे जो आप कहेंगे और हाँ हम एक गिव अवे वाला चैलेंज भी अभी करने वाले हैं जल्दी करने वाले हैं क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं जैसे जसवीर ही मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे और अभी कुछ चैलेंज आएंगे अगर हमें अच्छे कमेंट्स मिले आपकी अच्छी सजेशन मिली और हम आपके कमेंट को पिन करेंगे फिर आपको मिलेंगे बहुत सारे गिफ्ट हैंपर्स ऑलराइट दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस बाय बाय लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड सब्सक्राइब टू द इनसाइडर्स